हाय गाइस, दिस इज़ अमर एंड वेलकम टू अमर टेक स्टफ। गाइस, ये है IPsec VPN चैप्टर नंबर 3 टर्मिनोलॉजीज पार्ट 1। गाइस, पिछले वीडियोस में हमने ये देखा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कि VPNs क्या होता है और IPsec VPN क्या होता है। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया कि IPsec VPN प्रोटोकॉल सूट क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे सिक्योरली ट्रांसफ़र हो सके। तो चलिए, इस वीडियो में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पर बात करेंगे। एक्चुअली गाइस, मैंने ना ये चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 ये पूरी तरह से IPsec VPN की टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो मैं समझता हूँ कि तो ही आप अच्छे से उसके कॉन्फ़िगरेशन को, उसके ऑपरेशन को और उसके ट्रबल शूटिंग को समझ पाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईव्सड्रॉपर क्या होता है, क्लियर टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट क्या होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक एनक्रिप्शन क्या होता है, डेस्क क्या होता है, ट्रिपल डेस्क क्या होता है, AES क्या होता है, RSA क्या होता है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ईव्सड्रॉपर के बारे में। ये डायग्राम में मैंने ये डायग्राम देखकर आपको पता चल गया होगा कि ईव्सड्रॉपर होता क्या है। बेसिकली ये एक होता है मैन इन मिडल जो नोड ए और नोड बी के कम्युनिकेशन को सुनता रहता है चोरी से। जैसे मान लो ये नोड ए कोई एक बैंक का डेटा सेंटर है और नोड बी कोई ब्रांच है बैंक की। अगर डेटा बैंक का डेटा सेंटर बैंक की ब्रांच के बीच का कम्युनिकेशन अगर कोई मैन इन मिडल सुन रहा है तो सोचिए वो बैंक के नेटवर्क के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है और इसी थ्रेट को मिटिगेट करता है IPsec VPN। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनक्रिप्शन, जब हमने जब IPsec VPN प्रोटोकॉल सूट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि डेटा को सिक्योरली ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन IPsec प्रोवाइड्स समथिंग कॉल्ड एज कॉन्फिडेंशियलिटी टू द डेटा। तो जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात करते हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव होती है बाय यूजिंग सम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। फाइन, तो ये एनक्रिप्शन एग्जैक्टली करता क्या है? एनक्रिप्शन है ना गाइस, तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे समझ लीजिए, ये एक नोड है ए और ये एक पब्लिक नेटवर्क है और इस ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क वी हैव अनदर नोड बी। ओके, ये नोड्स मतलब सिंपली मान लो कि एक दो अलग अलग ऑफिसेस है एक कंपनी के अलग अलग सिटीज़ में। तो जब यहाँ पे बैठा हुआ यूज़र जब कम्युनिकेट करेगा यहाँ पे बैठे हुए सर्वर के साथ तो ये डेटा इसका पब्लिक नेटवर्क से यहाँ पे जाएगा, बी तक जाएगा। तो अगर यहाँ पे किसी मैन इन मिडल ने इस डेटा को पढ़ लिया तो ये वो कंपनी का प्राइवेट डेटा होगा जिसको ये मैन इन मिडल पढ़ लेगा, रीड कर लेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो एनक्रिप्शन एग्जैक्टली करता क्या है? इस डेटा को जो यहाँ पे बैठा हुआ है बंदा, जो ये डेटा होगा इसका जो सेंड करना चाहता है, इस डेटा को जब ये पब्लिक नेटवर्क पे सेंड करेगा तो इस डेटा को क्लियर टेक्स्ट में ना भेजते हुए इसको साइफर टेक्स्ट में भेजा जाएगा। साइफर टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट कि जो अनरीडेबल है, जैसे अगर मैन इन मिडल ने उसको देख भी लिया तो वो पढ़ नहीं पाएगा उसे, सिंपल। तो डेटा को एनक्रिप्टेड करके भेजा जाएगा ताकि डेटा की प्राइवेसी, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो पाए। जैसे गाइस, मैंने यहाँ पे दिखाया है, हाय माय नेम इज़ अमर, ये क्लियर टेक्स्ट में। अगर मैंने ये क्लियर टेक्स्ट में ओवर द पब्लिक नेटवर्क भेज दिया तो मैन इन मिडल अटैकर आराम से इसको पढ़ पाएगा। लेकिन ये है, ये भी लिखा हुआ है हाय माय नेम इज़ अमर, बट ये साइफर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, अनरीडेबल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो जिससे कि मैन इन मिडल इसको नहीं पढ़ पाएगा। और ये अचीव होता है एनक्रिप्शन से। एक्चुअली एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स कुछ की जनरेट करते हैं और ये की का यूज़ करके हम डेटा को साइफर टेक्स्ट में भेजते हैं
एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजते हैं ओवर दी पब्लिक नेटवर्क। डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन गाइस एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है एनक्रिप्शन का। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे बी को एनक्रिप्टेड डेटा मिल गया, ठीक है, अभी बी भी इसको पढ़ नहीं पाएगा, तो बी इस डेटा को डिक्रिप्ट कर देगा। मतलब ये जो साइफर टेक्स्ट में डेटा आया हुआ है उसे प्लेन टेक्स्ट में कर देगा, रीडेबल टेक्स्ट में कर देगा। यह है डिक्रिप्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन गाइस, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन और एक होता है असिमेट्रिक एनक्रिप्शन। ये गाइस एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, मैंने 2-3 बार फेस किया है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एंड असिमेट्रिक एनक्रिप्शन। तो गाइस सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या होता है कि सेम की यूज होती है फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जैसे ये ए और ये मेरा पब्लिक नेटवर्क है और दिस इज बी, फाइन, और ये मेरे यूजर्स हैं, समझ लो ये एक यूजर है और ये एक सर्वर है, ठीक है। तो ये यूजर को डेटा सेंड करना है, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स एग्जैक्टली करेंगे क्या, ये ना कुछ की जनरेट करेगा, एक है ना की जनरेट करेगा, और ये की यूज करके इस डेटा को एनक्रिप्ट किया जाएगा और अक्रॉस द पब्लिक नेटवर्क बी को भेजा जाएगा। तो ये डेटा कुछ एनक्रिप्टेड में जाएगा, बी के पास ये डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अभी क्योंकि हम इसे एनक्रिप्टेड करके भेज रहे हैं तो ये मैन इन मिडल अटैकर इस डेटा को पढ़ नहीं पाएगा, ही वोंट बी एबल टू रीड दैट डेटा सिंपली बिकॉज इट इज इन द एनक्रिप्टेड फॉर्मेट, इट इज इन द साइफर टेक्स्ट। तो जब ये बी के पास जाएगा तो बी भी इसे पढ़ नहीं पाएगा बिकॉज इट इज इन द साइफर टेक्स्ट एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। तो इसे अगर बी को पढ़ना है तो ये की यूज करनी पड़ेगी। तो ए क्या करेगा, ए ना इसे की सेंड कर देगा बी को, और बी फिर ये की यूज करके इस एनक्रिप्टेड डेटा, बी इस की यूज करके ये जो एनक्रिप्टेड डेटा है ये एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में पढ़ लेगा। लेकिन गाइज यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे ए बी को की सेंड करेगा वो प्लेन टेक्स्ट में सेंड करेगा, तो अगर मैन इन मिडल को प्लेन टेक्स्ट में की मिल गई तो इश्यू हो सकता है। तो गाइज इसमें ना एक प्रॉब्लम होती है विथ की एक्सचेंज। सो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स डू हैव प्रॉब्लम विथ की एक्सचेंज। असिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स क्या है? असिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम ये जो प्रॉब्लम है ना की एक्सचेंज वाले सिमेट्रिक पे वो सॉल्व कर देती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पे ए है पब्लिक नेटवर्क और ये बी, फाइन, अभी ये कुछ डेटा है, ठीक है। अभी असिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स करेंगी क्या, ये एक की नहीं जनरेट करेगी, ये है ना गाइस पेयर ऑफ की जनरेट करेगा, ठीक है, पेयर, ठीक है। और ये पेयर में होगा एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। ये बी के लिए भी ये असिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम पेयर ऑफ की जनरेट करेगी, एक करेगी प्राइवेट की और एक करेगी पब्लिक की। समझ लो ये है प्राइवेट की ऑफ ए और ये है पब्लिक की ऑफ ए और ये है प्राइवेट की ऑफ बी एंड पब्लिक की ऑफ बी, ठीक है। ये प्राइवेट की एंड पब्लिक की आर, जैसे ए का प्राइवेट की एंड ए का पब्लिक की, दे आर मैथमेटिकली एसोसिएटेड विथ ईच अदर, ठीक है। जो डेटा ए की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट होगा उसे सिर्फ डिक्रिप्ट ए का पब्लिक की ही कर पाएगा एंड वाइस वर्सा। बी के प्राइवेट की से जो डेटा एनक्रिप्ट होगा वो बी की पब्लिक की ही उसे डिक्रिप्ट कर पाएगी, फाइन।
एंड वाइस वर्सा। तो ये पब्लिक की और प्राइवेट की मैथमेटिकली एसोसिएटेड विद ईच अदर है, और अगर किसी के पास ए का पब्लिक की है तो वो ए का प्राइवेट की फिगर आउट नहीं कर सकता, या फिर ए के पास किसी के पास ए का प्राइवेट की है तो पब्लिक की फिगर आउट नहीं कर सकता, और पब्लिक की है तो प्राइवेट की फिगर आउट नहीं कर सकता, राइट। तो इसमें प्रोसेस होता कैसे, इसमें एक्चुअली चार स्टेप्स होते हैं प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस होता है, स्टेप होता है की जनरेशन। तो की जनरेशन में ये पेयर ऑफ की जनरेट कर लेगा, दूसरा स्टेप होता है की एक्सचेंज, इसमें होगा क्या कि ये जो पब्लिक की है ए अपना पब्लिक की बी को देगा ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क, एंड बी अपना पब्लिक की ए को देगा ओवर द पब्लिक नेटवर्क। तो ए के पास आ जाएगा बी का पब्लिक की, और ए के बी के पास आ जाएगा ए का पब्लिक की, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कोई डेटा ए के पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ है तो ए का ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा, दिस इज अ रूल। नाउ अगर ए को कुछ डेटा बी को सेंड करना है तो व्हाट ए विल डू इज ए विल एनक्रिप्ट दिस डेटा यूजिंग बीज पब्लिक की और ये सेंड कर देगा बी को। तो अभी बी को ये डेटा एनक्रिप्टेड डेटा मिला है, और दिस एनक्रिप्टेड डेटा इज एक्चुअली एनक्रिप्टेड यूजिंग बीज पब्लिक की, एंड बी डू हैव इट्स ओन प्राइवेट की। सो व्हाट बी विल डू इज बी अपना प्राइवेट की यूज करके इस डेटा को डिक्रिप्ट कर लेगा और इसको प्लेन टेक्स्ट में रीड कर लेगा। तो इस तरह से जो की एक्सचेंज की प्रॉब्लम सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में थी वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और गाइस अगर बी को ए को कुछ डेटा सेंड करना होगा तो बी ए की पब्लिक की यूज करेगा और डेटा को सेंड करेगा, और ए की प्राइवेट की लेके उस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा और पढ़ लेगा। अगर सोचिए अगर मैन इन मिडल अटैकर को अगर ए का पब्लिक की या बी का पब्लिक की मिल भी गया तो भी वो प्राइवेट की फिगर आउट नहीं कर सकते उनके। ये प्राइवेट की है ना पब्लिक नेटवर्क पे कभी नहीं जाएंगे, पब्लिक कीज जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से की एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व करता है असिमेट्रिक एनक्रिप्शन। लेकिन असिमेट्रिक एनक्रिप्शन में जो साइफर टेक्स्ट की साइज होती है वो बड़ी होती है, लार्ज होती है एज कम्पेयर टू द सिमेट्रिक। प्रोसेस भी ज़्यादा होता है, प्रोसेस साइकिल्स भी ज़्यादा लगते हैं असिमेट्रिक एनक्रिप्शन में, लेकिन ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। चलिए अभी कुछ बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, असिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। गाइस असिमेट्रिक एनक्रिप्शन में हम जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब भी देखेंगे तीनों चीज़ें। डेस होता है, दैट इज़ डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और ट्रिपल डेस, और AES, दैट इज़ एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये जो की साइज यूज़ करता है डेस, यह 56 बाइट्स का की यूज़ करता है। जितने ज़्यादा बाइट्स का की उतना ज़्यादा सिक्योर एनक्रिप्शन होगा, फाइन। तो 56 बिट्स तो काफ़ी वीक सिक्योरिटी माना जाता है डेस का। ट्रिपल डेस यूजेस 64 बीट का की, और ये 64 बीट के तीन की यूज़ करता है। तो ये आप समझ लो कि 3 times मोर सिक्योर है एज कम्पेयर टू डेस। लेकिन इन सबसे ज़्यादा सिक्योर है AES। Either 128 बीट का की यूज़ करेगा, या 192 बीट का, या 256 बीट का। अगर जैसे जैसे ज़्यादा बीट्स रहेंगे उतना ज़्यादा सिक्योर रहेगा, और ये मोस्ट सिक्योर सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। नाउ असिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में एक एल्गोरिथम आता है, दैट इज RSA। ओके, नाउ ये RSA है, इसका नाम RSA क्यों है, बिकॉज इट वॉज रिलीज इन 1978 बाय रॉन रेविस्ट, एडी शार्मिल एंड लेन एडमैन। तो इनके जो लास्ट नेम है उनसे ये RSA है, RSA नाम है ना। अगेन ये जो चार ऑपरेशंस मैंने बात किया था असिमेट्रिक एनक्रिप्शन में,
है, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू दी सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। गाइज मेरा एक ब्लॉग है amartextstuff.blogspot.com, ये जो लिंक है बेसिकली, ये लिंक पे आप ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, और जितने भी मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा उसके सारे के सारे नोट्स आपको उस लिंक पे मिल जाएंगे। सो डू विजिट दिस ब्लॉग फॉर नोट्स पर्पस। ऑल्सो आई हैव अपलोडेड मैनी अदर नोट्स जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ उसके रिलेटेड नोट्स मैं डालता हूँ, या फिर जो मैं यूट्यूब के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, सिर्फ मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ जिसमें मैं डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से कुछ डालता कुछ अपलोड करता रहता हूँ, तो वो भी इस ब्लॉग पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइज इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं, आगे के चैप्टर में हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी पार्ट टू, और उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे और काफ़ी सारे डेफी हेलमैन और हैशिंग एल्गोरिथम्स, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा, और थोड़ा उसमें हम डेपनेस टच करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।